जय श्री कृष्णा। आज अपन ट्वेल्थ क्लास में अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत पहले अध्याय के तीसरे कवि कृपाराम जी प्रिया के रचनाओं का अध्ययन करेंगे। कृपाराम जी का जन्म 1743 में मारवाड़ के खराड़ी गांव में हुआ है और इनकी मृत्यु 1833 के अंतर्गत हुई। आप राजस्थानी भाषा के लिंगल और पिंगल के तो श्रेष्ठ कवि थे ही, लेकिन साथ ही साथ ये संस्कृत के भी अच्छे विद्वान थे, मनमोहक थे। अब इन्होंने जो रचना की उस रचना का नाम है रजिया राम तो आसान। तो ये रजिया कौन था? रजिया कृपाराम जी का एक सेवक था जो इनकी सेवा अर्चना किया करता था। वो बड़ा उदास रहा रहता। तो एक दिन कृपाराम जी ने उसे पूछा कि यार रजिया, ये बता तू दिन भर उदास क्यों रहता है? तो रजिया ने अपने मन की पीड़ा कृपाराम जी से बताते कहा कि मैं इस बात से चिंतित रहता हूँ कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरे मरने के बाद इस जगत में मेरा कोई नाम लेने वाला नहीं। तब कृपाराम जी ने कहा कि मैं आज के बाद जो रचनाएं करूँगा वो तुझे संबोधित करके करूँगा, ताकि जब जब जिस जिस काल में मेरी रचनाओं का अध्ययन होगा तेरा नाम सदा उसका पद चलता है। तो इसलिए इन्होंने जो भी रचनाएं की कृपाराम जी ने वो रजिया को संबोधित करते हुए की राजिया राम तोड़ता। दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली जो बातें हैं, जो सामान्य संस्कार कह दीजिए, अदब कह दीजिए, उन चीज़ों को कृपाराम जी ने अपने छोटे छोटे पदों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास किया। तो आइए अपन प्रारंभ करते हैं कृपाराम जी के पहले श्लोक की ओर बढ़ते हैं, जिसमें कृपाराम जी कहते हैं कि उपजावे अनुराग कोयल। अनुराग कहते हैं प्रेम। उपजावे अनुराग कोयल मन हरकित कर। कोयल जब भी बोलती है मन को प्रसन्न करती है, हरकित करे यानी प्रसन्न करती है, मन में प्रेम उत्पन्न करती है, बड़ा मधुर बोलती है। उसकी वाणी को सुनकर के, कोयल की आवाज को सुनकर के जहाँ मन में एक और शीतलता होती है, वहीं दूसरी ओर मन में एक प्रसन्नता का अनुभव होता है। कड़वो लागे काल रसना राहुल राग। कौवा जब भी बोलता है तो कड़वा लगता है, रसना कहते हैं जबान। ये जीवन के गुण हैं, अर्थात वाणी का प्रभाव है। यदि आप मीठे बोलते हो तो जगत को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, और कड़वे बोलोगे कोयल की भांति तो हमें क्या करेंगे, लोग पत्थर लेकर के दौड़ने को आते हैं। हमेशा हमें मीठी जुबान में बात करनी चाहिए, ऐसी जुबान का, ऐसी वाणी का प्रयोग करना चाहिए जो दूसरों को शीतल करती हो, मन में प्रसन्नता का भाव रखती हो, ऐसी वाणी का हमें प्रयोग। दूसरे पद की ओर बढ़े तो दूसरे पद में कहते हैं कि काली घड़ी गुरु घड़ी कौशल। मारवाड़ी संदर्भ में राजस्थानी काली घड़ी गुरु कस्तूरी कांटा। कस्तूरी ऐसा कहा जाता है, ऐसी किदवंती है कि मृत की नाभि में कस्तूरी का वास, बड़ी अमूल्य चीज है, लेकिन उसकी महत्व बहुत होती है, बहुत कम मात्रा में खाई जाती है और उसकी सुगंध है वो बहुत अधिक, इसलिए वो अमूल्य है। अमूल्य चीज क्या होती है? कांटा खोल जाए, कांटा समझता है तराजू के ऊपर तोल तोल करके छोटे छोटे ग्रामों में उसकी तुलाई होती है, करोड़ों में उसका मूल्य होता है। पहले का भाव ये है कि वो बड़ी महंगी होती है, लेकिन यदि उसका रूप रंग देखा जाए तो दिखने में सुंदर होती है, बिल्कुल काली काली चीज होती है। इसलिए हमें सब बाह्य गुणों की ओर ध्यान नहीं देना, हमें भीतर के गुणों की ओर कि मनुष्य के भीतर क्या बाह्य आवरण की सुन रहा है, वो आकर्षक भी हो सकता है और कुरूप भी हो सकता है। हमें उस बाह्य आवरण की ओर ध्यान देने से उसके भीतर क्या भाव, भीतर क्या गुण है, हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि काली घड़ी कुरूप कस्तूरी कांटा भी है। काली और कुरूप होने के पश्चात भी कस्तूरी है वो तरंगी में सो दी जाती है, जबकि इसके विपरीत शक्कर बड़ी जरूर रोडा हो जाती है। शक्कर चीनी बिल्कुल सफ़ेद होती है, छोटे छोटे दाने होते हैं, समान उसके दाने होते हैं, दिखने में बड़ी सुंदर होती है, लेकिन उसकी मूल्य कस्तूरी के मुकाबले में बड़ा न्यून होता है, और इसीलिए वो रोड़ा रोड़ा कहते हैं। पत्थर पूर्व में क्या होता था, अभी की भांति बाट नहीं होता थे, नीच के पत्थरों बना दिए जाते थे, उन पत्थरों को माप के रूप में काम दिया जाता था। तो जहाँ एक और कस्तूरी तराजू की अमूल्य है, वहीं दूसरी ओर सत्तर सुंदर और स्वरूप होने के पश्चात भी रोड़ा पत्थरों के माध्यम से कहने का भाव है
कि उसका मूल्य नहीं होता, उसका समाज में उसकी उपयोगिता कम होता। तीसरे पद की ओर देखते हैं कि डूंगर जड़ती लाय लाय कहते हैं डूंगर कहते हैं पर्वत, डूंगर जड़ती लाय जावे सारो जगत, डूंगर जड़ती लाय जो है सारो जगत। पहाड़ पर लगने वाली आग तो सबको नजर आ रही है, वहाँ पहाड़ पर अपनी जिंदगी वहाँ पहाड़ पर दूर की चीजें तो हमें नजर आ रहा है। दूसरे शब्दों में कहें हम इस बात को इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि औरों में जो कमी है हमें वो तो समझ में आ जाती है कि उसमें क्या कमी है ना, उसमें क्या कमी है, घराने में क्या कमी है, लेकिन वास्तविकता में हमारे भीतर क्या कमी है हमें उस बात का एहसास ही नहीं होता। तो कहते हैं डूंगर जलती राय जो है सारो ही जगत, पहाड़ पर लगने वाली अग्नि को तो संपूर्ण जगत पूरा देश देख लेता है, पूरी दुनिया देख लेगी, पर जलती निज पाए रति न सूख दे रहा है, लेकिन खुद के पैर जल रहे हैं वो किसी को दिखाई नहीं देता। डूंगर पर जल रही है, पहाड़ पर जल रही है, वो दिखाई दे जाता है। अर्थात दूसरों की जो कमियाँ हैं वो जगत देख लेता है, लेकिन जगत की ये विचित्र बात है कि खुद की कमियाँ उसे नजर नहीं आती। और चौथे पद में बढ़ते हैं जिसने कहा कि मतलब नहीं मनवाद चुपके लाभ चुप, यदि किसी व्यक्ति को आपसे गर्व है तो वो आपकी खातिरदारी करेगा, वो आपके आगे पीछे घूमेगा, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं पटरी निकलता चूरमा खिलाता, चूरमा खिलाने का तात्पर्य सेवा छात्र में कोई कमी नहीं आना, तब तक जब तक उस व्यक्ति को आपसे किसी न किसी प्रकार की कोई गर्व है। मतलब नहीं मनवार चुपके लाभ चुपके आपको आपकी सेवा चाकरी करेगा, और वो सेवा चाकरी तब तक ही करेगा जब तक उस व्यक्ति को आपसे किसी प्रकार की कोई गरज है। जैसे ही गरज मिटी बिन मतलब मनवार राब न पावे राजा, बिना मतलब के कोई किसी को मतलब नहीं है, कोई स्वार्थ पूर्ति नहीं होनी है, तो बिना मतलब के कोई किसी को राब भी नहीं जाता है। साधारण भोजन है राब वो भी आपको मनवार नहीं करेगा, उसे पीने के लिए भी आपको नहीं देगा, क्यों, क्योंकि आपको उस व्यक्ति से कोई स्वार्थ सिद्धि पूर्ति नहीं होगी। लेकिन जब तक स्वार्थ सिद्धि पूरी होती रहती है तब तक लोग आपकी खातिरदारी करते हैं। यदि आपकी कोई व्यक्ति खातिरदारी कर रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए इस व्यक्ति को मुझे किसी न किसी प्रकार का कोई काम है, उस काम को पूरा करने के लिए मेरी खातिरदारी होगी। तो आज के लिए शेष इसके जो पद है वो कल की प्राप्त करेंगे। जय श्री कृष्ण।